राजस्थान में जो चुनाव हुआ वो अब की बार का चुनाव, राजस्थान की गुड गवर्नेंस 5 साल की, कोरोना काल में जो बेहतर कार्य हुए, लोगों की जानें बची, कोई भूखा नहीं सोया, और जो बजट आया और जो योजनाएं, फ्लेक्सिबल योजनाएं जो लागू की गई, वो राजस्थान में नहीं बल्कि अपितु पूरे देश में चर्चा का विषय थी। वो राजस्थान का मॉडल गुड गवर्नेंस और जो योजनाएं थी उसका पूरे देश में चर्चा ही नहीं बल्कि उसको अंगीकार करने के लिए भी होड़ मची हुई है। ऐसे में मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी की जो हमारी 4000 किलोमीटर जो भारत जोड़ो यात्रा निकली और उसमें जो मुद्दे राहुल गांधी जी ने लिए उनको भी लोगों ने स्वीकार किया। जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो बात थी उसको भी लोगों ने बहुत दिल से लेकर के और अत्यधिक मतदान में उनको प्रेरित किया उस बात ने भी। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार की पहले 10 गारंटियां महंगाई राहत कैंप के द्वारा और फिर 7 गारंटियां जिस प्रकार से आगे वादा किया गया, जनता ने उस पर विश्वास किया है। देखिए, ये पार्टी आला कमान ने बहुत स्पष्ट कर रखा है कि विधायक जीतने के बाद में पार्टी आला कमान राय मशविरा करके जो पार्टी आला कमान तय करेगा वो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। क्या आप रेस में हैं? आप मुख्यमंत्री की रेस में हैं? मैं कह रहा हूँ कोई रेस में नहीं है, रेस में कोई नहीं होता है। रेस में तो ये बीजेपी में 8-9 क्या बढ़ जाएंगे? क्या बहुमत ही नहीं आ रहा है इनका? तो रेस से कुछ नहीं, जब पार्टी ने एक लाइन ले रखी है कि जो जीतेंगे उनकी राय लेकर के हमारा पार्टी जो नेतृत्व है, हाईकमान है, वो जो फैसला करेगा, वो जिस किसी को भी कहेगा वही हमारा मुख्यमंत्री होगा।